दोस्तों आईपीएल 2023 के 24वें मैच में सोमवार को आरसीबी की टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाली है। आरसीबी यह मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलने वाली है। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि दोनों टीमों के बीच यह मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरी ओर इस मैच में भिड़ने से पहले बेंगलोर के पास फॉर्म होगी, क्योंकि वे अपना पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत कर आ रहे हैं। साथ ही चेन्नई भी पिछले मैच में मिली हार को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की ओर देखेगी। आपको कमेंट में बताना है कि चेन्नई अपना पिछला मैच किस टीम के साथ हार कराई है। आरसी वर्सेस सीएसके मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि यहां का ग्राउंड बेहद छोटा है, जिससे बॉल को बाउंड्री के बाहर मारना आसान काम होगा। हालांकि आज होने वाले मुकाबले में बेंगलोर की टीम के पास घरेलू मैदान पर खेलने का एडवांटेज रहेगा। चेन्नई के पास महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी एक प्लस पॉइंट है। धोनी किसी भी मैदान पर अपने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन निकालने में सक्षम है। वह बल्ले से भी मौका मिलने पर बेहतरीन हिटिंग करने में पीछे नहीं है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच से बल्लेबाजों को निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। पिछले कुछ मैचों में ऐसा ही देखा गया है, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया जा सकता है। शाम को बल्लेबाजी और आसान होगी। स्पिन बॉलरों के लिए छोटी बाउंड्री की वजह से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि आईपीएल के इस सीजन का यह चिन्नास्वामी स्टेडियम में चौथा मैच होने जा रहा है। पहले 3 मैचों में पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 170 से अधिक रन बनाए हैं। पिच से बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलती हुई नजर आएगी। इस हिसाब से एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए संभावित ड्रीम इलेवन टीम की। तो हेड टू हेड जो मैच है ड्रीम इलेवन का, उसके लिए जो ड्रीम इलेवन टीम है वो इस प्रकार से है। डेवन कॉनवे विकेट कीपर में, आप डेवन कॉनवे और बैटर में विराट कोहली, हाफ डू प्लेसिस और अजिंक्य रहाणे। अब ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में कौन है? ग्लेन मैक्सवेल दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्लेन मैक्सवेल है। वानिंदु हसरंगा अभी मैच में जुड़ चुके हैं वो, और रविंद्र जडेजा ये भी बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें मोहम्मद सिराज, विजय कुमार वैशाख जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, ये भी वी विजय कुमार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और पार्नेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक इन मैचों में, और तुषार देशपांडे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तुषार देशपांडे जो कि चेन्नई के फास्ट बॉलर हैं, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हेड टू हेड जो टीम है, हेड टू हेड लगाने के लिए ये टीम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन को चूज़ कर सकते हैं। कैप्टन हेड टू हेड टीम के लिए कैप्टन है विराट कोहली, और वाइस कैप्टन जो है वो है रविंद्र जडेजा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेड टू हेड ड्रीम इलेवन टीम है, जो कि संभावित ड्रीम इलेवन टीम है हेड टू हेड मैच के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए जो ड्रीम इलेवन टीम है, संभावित ड्रीम इलेवन टीम जो है ग्रैंड लीग के लिए, जीएल के लिए, इसमें ड्रीम इलेवन टीम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में आपको बता दें, विकेट कीपर सेक्शन में आप डेवन कॉनवे को चूज़ करेंगे। उसके बाद बैटर वाले सेक्शन में आप यहाँ पर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, इनको आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं बैटिंग वाले पोर्शन में, जो सेक्शन है बैटिंग का उसमें। और जो ऑलराउंडर का सेक्शन है उसमें आप ग्लेन मैक्सवेल और मोइन अली, रविंद्र जडेजा, ये इसमें आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हो गया। अभी बॉलर सेक्शन की बात करें तो बॉलर सेक्शन में आप मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और तुषार देशपांडे को यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें ये ग्रैंड लीग की टीम है जो संभावित ड्रीम इलेवन टीम है, ये आप इसमें लगा सकते हैं। उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का जो ऑप्शन है, इसमें कैप्टन जो है ऋतुराज गायकवाड़ है, और वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन इसमें फाइव डू प्लेसिस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से, आप इसे ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ मैं, ये ग्रैंड लीग के लिए आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,